हमको दिल में इतना दुख हुआ कि बॉस जॉब हम कभी मेरा लड़की कभी हमको बस कुछ नहीं मांगा है, और लास्ट में क्या सोचेगा जो बापी और 400 रुपया नहीं दे सका। पुलिस जो कैंप आछे सेटा ओरा उधर मतो काज करबे, किंतु हॉस्पिटल अथॉरिटी जो एजेंसी निच्छे से हॉस्पिटल अथॉरिटी के से एजेंसी दायित्व नीते होबे। सेटा ओनार राजनीति ओनार उसका अपना बात है, हमको आम लोगों का बात तो नहीं है ये ना, ये तो उनका विचार है। उन्होंने साफ कह दिया है कि सीपी नहीं हटेगी। सीटा राजनीति उसका अपना बात है, हमको आम लोगों का बात तो नहीं है ये ना, ये तो उनका विचार है। उन्होंने अच्छे विचार लेंगे, विचार से आपने अच्छे विचार करके जो डिसीजन लेगा लेना है लेगा। सीएम की भूमिका नहीं नहीं संतुष्ट होने से तो हम सीबीआई के पास नहीं जाते थे ना, ये तो बोलने का बात ही नहीं है। किन बातों को लेकर सीएम से खापा नहीं है उनके, उन्होंने कोई काम आगे नहीं बढ़ाया। जैसे उन्होंने 3 दिन के बाद पुलिस का आदमी हमारा पास गया था, उन्होंने एक संजय राय को खड़ा करके बोल रहा था ये हम पकड़ लिया, सब काम खत्म हो गया, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में उठा देगा और उसको फांसी दिला देगा, यही इसलिए तो हमको। लेकिन मेरा लड़की का साथ जो घटना घटी है, एक आदमी का कोई संभव नहीं था, वो हम पहले से बोल रहा है डिपार्टमेंट का आदमी इसका अंदर जुक्त है। उनका बात है, उन्होंने उनको क्षमता है सबको दुर्गा पूजा में ले जाएगा। हमको तो लगता है कोई दुर्गा पूजा इस साल नहीं करेगा, करेगा तो भी वो मन वैसे खोला मन से नहीं करेगा। उनका मन में हमारा लड़की का विचार, वो हमारा लड़की को अभी पश्चिम बंगाल और सारा देश का अपना लड़की समझ रहा है। बॉडी डिस्चार्ज को लेकर आपने काउंसलर के ऊपर सवाल उठाया, क्या किया था उन्होंने? उसने मेरा हमारा वाइफ को सिग्नेचर करा के वो बॉडी लेके क्या बोले, हम लोग यहाँ पड़ा हुआ था, वो बॉडी लेके मेरा घर चला गया। उसको तो हम नहीं बोला था ना। और एक बात बोले, जब मेरा लड़की को शमशान में जो पैसा लगता है वो फ्री कर दिया, हमको दिल में इतना दुख हुआ कि बॉस जॉब हम कभी मेरा लड़की कभी हमको बस कुछ नहीं मांगा है, और लास्ट में क्या सोचेगा जो बापी और 400 रुपया नहीं दे सका, ये मेरे दिल में बहुत दुख दिया। प्लीज Don't give all responsibility to police. তোমার বিয়ে হবে সেখানেও পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকবে, খেলা হবে সেখানেও পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকবে, তোমার প্রেস কনফারেন্স হবে সেখানেও পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকবে।